आशीर्वाद लेंगे तो आपके गुरु का पूजा स्वीकार हो जाएगा। जो गुरु का शरीर यहाँ नहीं है या दूर है तो उनका भी पूजा यहाँ अभ्यास की पूजा करेंगे तो पूजा स्वीकार हो जाएगी, वहां तक पूजा पहुंच जाएगी। बात यह है कि पूर्णिमा, यहाँ गुरु पूर्णिमा क्यों कहा गया? देखो चंद्रमा जो है आज के दिन पूर्णिमा रहती, पूर्ण रहती है, ऐसे गुरु भी पूर्ण है। गुरु तो साक्षात परम ब्रह्म है, जैसे भगवान राम पूर्ण ब्रह्म है और भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, ऐसे साक्षात गुरु भी परम ब्रह्म। श्री गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर अष्ट प्रहर निरखत रहो श्री गुरु चरण जियो। ऐसे गुरुदेव की आज चरणों को हम पूजन करें और निरखें, ध्यान में रहे, गुरुदेव के चरणों का ध्यान रहे। बोले कैसे रहे? चकोर पंछी, चकवा पंछी चंद्रमा के पूर्णिमा को एक टटकी लगा के देखता रहता है, ऐसे हम गुरुदेव के चरणों पर टटकी लगा के देखते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है। देखो ब्रह्मा की उपाधि दी गई है, गुरु को ब्रह्मा की उपाधि दी गई क्यों? बोले ब्रह्मा का काम क्या है? ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, सृजन करते हैं, पंचभूत इकट्ठा करके। पंचभूत क्या है? क्षितिज जल पावक गगन शमीरा पंच रचित अति अधर्मशरीरा। ये पांच तत्व है, ये पांच तत्व से शरीर बना। शीत मतलब पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, हवा, ये पांच तत्व से शरीर बना। ये पंच तत्व को निर्मित करके सृष्टि करते हैं, इसलिए ब्रह्मा को सृजनहार कहा। गुरु सृजनहार देगी, बोले गुरु भी सृष्टि करते, बोले किस पर? बोले शिष्य पर। गुरु ने बीजक मंत्र दे करके कान में और ये शरीर को भी खेत में सृजन करते हैं, सदगुण रूपी पौधा को उगाते हैं, इसलिए गुरु की उपाधि ब्रह्मा से दी गई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु को उपाधि विष्णु से दी गई है। तो विष्णु का काम क्या है? विष्णु पालनहार है। देखो कोई भी पौधा बाड़ी में होगे, क्यों? यदि बाड़ी नहीं होते लोहे की बाड़ी
चल जाएंगे या कोई कीटाणु वो पत्ते फुटक जाएंगे और वो समय आने पर पौधा नहीं पनपेगा। तो यहाँ कीटाणु क्या है? बोले कीटाणु यहाँ अहंकार है, माया है, माया रूपी बकरी कहीं चर न जाए। तो गुरुदेव क्या करते हैं? गुरुदेव बाड़ा रुझते हैं, किसका? वैराग्य का बाड़ा। अच्छा, जब कोई आप पौधा लगाते हैं तो उसमें पानी देते हैं, जल, अभी तो समय पर होगा, तैयार होगा। तो यहाँ जल क्या है? बोले भक्ति रूपी जल। तो भक्ति रूपी जल देंगे और वैराग्य रूपी आपको बाड़ा रुझेंगे, तब समय आने पर सद्गुण रूपी पौधा होगा। तो इसीलिए गुरु की उपाधि विष्णु से दी गई। अच्छा, गुरु की उपाधि भगवान शिव से दी गई है। क्यों? बोले भगवान शिव संहार करता है, संहार कर देते हैं। तो यहाँ अहंकार यदि आ गया, मान आ गया, तो भगवान शिव अहंकार को समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ शिव के रूप में देखो गुरु को, अहंकार आ गया शिष्य के ऊपर, तो शिष्य के अहंकार को दूर कर, अहंकार रूपी कीटाणु को मार देते हैं। इसलिए गुरु की उपाधि किससे दी गई? भगवान शिव से। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ऐसे गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, ऐसे गुरु को हम बार बार प्रणाम करते हैं। दसवें नमः। गुरु के दर्शन से क्या होता है? सेवा पूजा का सत्संग सुनो तो ठीक है, गुरु के दर्शन से क्या होता है? देखो, एक बार गुरु नानक जी का शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव आपके दर्शन से क्या फल मिलता है, गुरु के दर्शन से क्या फल मिलता है? गुरु नानक जी ने कहा कि कल प्रातः काल जाना, और जो भी तुमको जीव मिलेगा उसी से पूछना कि गुरु के दर्शन से क्या फल मिलता है। अब ये प्रातः काल चला और जैसे ये चला तो इसको कौवा मिला, कौवे तो मिलेंगे, पंछी मिलेंगे। तो इसने कहा, भाई गुरु के दर्शन से क्या फल मिलता है ये बताइए। कौवा सुनते ही अपना शरीर छोड़ दिया, उसी समय शरीर छोड़ दिया। अब तो जाकर के गुरुदेव से कहा, गुरुदेव बड़ा अनर्थ हो गया। बोला क्या हुआ? बोले हमने जैसे पूछा कि गुरु के दर्शन से क्या फल मिलता है, तो सुनते ही शरीर छोड़ दिया। गुरुदेव ने कहे, आप जाके दूसरे गांव में जाके पूछो। तो वही जो कौवा बना था वही जाकर के गाय के गर्भ में आया और बछड़ा बन गया, बछड़ा के रूप में जन्म लिया। और वो जाके पूछा, भाई गुरु के दर्शन से क्या फल मिलता है? तो बछड़ा सुनते ही बछड़े मर गया। तो अब जाकर के गुरुदेव से कहा, गुरुदेव फिर अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले फिर वो बछड़ा सुनते ही मर गया। गुरुदेव ने कहा, दूसरे गांव में जाओ और जाके पूछो। अब वो बछड़ा जाके मनुष्य के मानव बन गया और माँ के गर्भ में, स्त्री के गर्भ से जन्म लिया, बालक बन किया गया। अब वो जाके पूछा कि ऐसे बताओ भाई, गुरु के दर्शन से क्या फल मिलता है? उसने कहा, देखो तुम हमको पहले मिले थे और पूछे जो समय हम कागा थे, कौवा करो, हम पंछी थे, अब तुम गुरु का दर्शन करके आए तो हम तुम्हारा दर्शन किए, तो हमारा तिलक योनि छूट गई, पंछी योनि छूट गई और हम जाके पशु के रूप में जन्म लिए। और तुम फिर जाके गुरु का दर्शन किए और फिर दर्शन करके आए, फिर हमसे पूछे तो हमारा पशु वृद्धि भी, पशु योनि भी छूट गई। और अब तुम फिर गुरु का दर्शन करके आए और फिर पूछे तो अब बताओ, पशु योनि से हम मानव योनि, और तुम्हारा दर्शन कर लिए
तो हम मन से नारायण हो जाएंगे गुरु राधे, ये गुरु के दर्शन पाता है। और यही भगवान सबरी को कहते हैं कि गुरु का दर्शन हमारा दर्शन में कोई अंतर नहीं है। मोते अधिक संत कर देखा मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावो, जीव पा लेता है क्या निज सहज स्वरूप। भगवान कहते हैं कि हमारा स्वरूप निज मतलब हमारा, वो तो हमारे स्वरूप में स्थित हो जाए। ये भगवान के दर्शन, ये सद्गुरुदेव के दर्शन का फल। तब वो लौट के आया और गुरु पूर्णिमा थी और गुरु पूर्णिमा में अपने गुरुदेव गुरु नानक जी का पूजन करने आइए हम लोग भी पूजन करें। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा क्या गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु मेरा गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवान गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा देव अलख भैर गुरु मेरा देव अलख सर्व पूज चरण गुरु से तू सर्व पूज चरण गुरु से तू गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु गुरु विनया कर नहीं है गुरु विनया कर नहीं मैं अन्य दिन जप गुरु गुरु नाहो अन्य दिन जप गुरु गुरु नाहो गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म श्री भगवान गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय गुरु मेरा ज्ञान गुरु वृंदावन गुरु गोपाल गुरख भगवान गुरु गोपाल गुरख भगवान गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु की शरण रहूं कर छोड़े गुरु बिना मैं नहीं छोड़े गुरु की शरण रहूं कर छोड़े गुरु बिना
थोरो गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु गोविंद तारे भव पार गुरु सेवा ते यम छुटकार गुरु सेवा ते यम छुटकार गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु पूरा पाई ये बड़ भागी गुरु पूरा पाई ये बड़ भागी गुरु की सेवा दुख न पावी गुरु की सेवा दुख न गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा गुरु मेरी पूजा गुरु का शब्द न मेरे कोई गुरु का शब्द न मेरे कोई गुरु नानक ना कुहर सोई गुरु नानक नानक हर सोई गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु मेरे गोविंद है। देखो गुरु बिन मैंने व्यासपीठ में बैठते ही कहा गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई जो मेरा के शंकर सम होई चाहे कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी क्यों न हो जाए गुरु बिना कर नहीं सकता। गुरुमुख एक होता मनमुखी दूसरा होता गुरुमुखी कुत्ता दो होते हैं दो प्रकार कुत्ता होते हैं एक पालतू दूसरा फालतू। पालतू कौन है जिसके गले में पटरा बंधा है पहचान एक पालतू है और फालतू जो है कि पास इधर उधर तो ये गुरुदेव पटरा बांध देते हैं ये कंठी माला पहना दिए ये पट्टा बन गए अब तो हमको कहीं इधर पर मुंह नहीं मारना है अब तो हमको अपने मालिक के ही द्वार पे ही रहना जो गुरुमुखी है उसको अपने मालिक के द्वार पे है यहाँ रखौट है और जो मनमुखी है वो तो कभी यहाँ कभी वहां उसको कहीं शरण नहीं है इसलिए गुरु जरूर बनाना चाहिए गुरुमुखी होना चाहिए मनमुखी नहीं होना चाहिए। मन ही कुत्ता दर दर दूर दूर फिरे एक ही दर भय रहे तो काहे दर दर दूर दूर हो। तो ये देखो ये हम लोगों को गुरुदेव ने
यम के फांस से छुड़ा दिए। ये जब साइन बोर्ड देख लिए ना, ये देख लिए ना, देखो पुलिस वाले जब आते पकड़ने ना, सिविल ड्रेस में कोई नहीं जानते पुलिस वाले हैं, तो वो ड्रेस में रहेंगे ना तो फिर चोर भी भाग गए, पुलिस आ गई पकड़ लेंगे। ये हम लोगों को गुरुदेव ने ये ड्रेस दे दिया। हम यमराज कोई यमराज के दूत नहीं आएंगे लेने के लिए, हम लोग मनमुखी नहीं, हम लोग गुरुमुखी हो। वृंदावन के बहुत बड़े दिव्य संत गुड़िया बाबा स्वामी अखंडानंद जी के गुरु हैं। एक बार वो बेचारे ट्रेन से जा रहे थे, तब उनसे एक ने पूछा कि बताइए गुरु क्यों बनाया जाता है, वो तो ऐसे भी गुरु क्यों बनाया जाता है। एक बार उसे तो अनसुना कर बोले, गुरु अरे महाराज मैं आपसे पूछ रहा हूँ गुरु क्यों बनाया जाता है। तो उड़िया बाबा कहे कि आपसे क्यों पूछ रहे हैं, बोले जानने के, बोले बस किसी भी गुरु बोल रहे हैं, कुछ जानने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए गुरु बनाया जाता है। गुरु बिनु ज्ञान कि ज्ञान होए बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता और बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं हो सकता, इसलिए कुछ जानने के लिए गुरु बनाया। बहुत हमको मिलते कहते कि अरे हमारे तो गुरु हनुमान जी हैं, कोई कहते कि हमारे तो कृष्ण भगवान हैं, हम पूछते हैं कि हनुमान जी तुम्हारे गुरु हैं तो हनुमान जी भी तो गुरु बनाए, हनुमान जी भी तो गुरु है, हनुमान जी किसको गुरु बनाए, सूर्य देव को गुरु बनाए। फिर कोई कहता कृष्ण तो कृष्ण भी तो गुरु बनाए, जो बंदे कृष्ण जगत गुरु जो पूरे विश्व का गुरु है उसको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। और वो भी विद्या पढ़ने गया, दूसरा भी तुलसी जाति कहते हैं क्यों तुम भाग गुरु भी है पढ़ने गए अल्प काल भी जाकी श्वास श्रुति चारी यह पड़ती को दुख भारी। जिसके श्वास से वेद की विचार निकलती है वो पढ़ने जा रहा है, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। देखो भगवान एक गुरु की परंपरा को बरकरार रखने के लिए गुरु बनाए और पढ़ने हैं। भगवान सोचे थे हम गुरु नहीं बनाएंगे तो वो गुरु नहीं बनाएंगे, इसलिए भगवान राम भी गुरु बनाए, बाबा विश्वामित्र और कुल गुरु वशिष्ठ जी हैं। देखो गुरु भी कई प्रकार के होते हैं, एक गुरु होते हैं, एक गुरु होते हैं, दूसरे सदगुरु होते हैं और तीसरे कुल गुरु होते हैं। गुरु कौन है जो हमको खाने पीने का नौकरी के लिए जो विद्या ग्रहण करा देते हैं वो गुरु है, और सदगुरु कौन है जो हमको भगवान तक पहुंचा देते हैं, जो भगवान के ज्ञान में ज्ञान दिला देते हैं। अस्तोमा सदगमय अमशोमा ज्योतिर्गमय जो असत्य से सत्य की ओर ले जाए, जो मृत से अमृत की ओर ले जाए वही तो गुरु है, जो संसार के बंधन से मुक्त करा दे वही तो गुरु है, जो भगवान से मिला दे वही तो गुरु है, उसी को तो गुरु कहते हैं। गुरु देखो सीढ़ी है, सीढ़ी जैसे हमको छत में जाना है तो हम सीढ़ी के जरिए से छत में जाते हैं, उसी प्रकार से हमको परमात्मा तक पहुंचना है, आत्मा साक्षात्कार कराना है तो गुरु रूपी सीढ़ी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए गुरु एक माध्यम है, गुरु भगवान से मिला देते हैं। ऐसे गुरु को बार बार सदगुरु है, ऐसे सदगुरु को बार बार प्रणाम है। गुरु जो है तो शिक्षा देता है और सदगुरु जो है तो दीक्षा देता है। शिक्षा तो बस वही है जो आप पहली दूसरी तीसरी में पढ़े हैं, वो शिक्षा है, और दीक्षा वो है जो गुरु कान में मंत्र देते हैं और वो मंत्र को हम जाप करते हैं, कहते हैं कि मंत्र आयतिति मंत्र है, मंत्र वो है जो हमारे मन के गति को रोक दे, चंचल मन को अचंचल कर दे, यही तो गुरु है। जो स्थिर, जो मेरा मन स्थिर नहीं है,
है तो स्थिर कर दे, वही तो गुरु है। इसलिए भगवान कहते हैं शबरी को कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे मंत्र को जाप करो, जो गुरुदेव ने मंत्र दिए हैं उसको जाप करो और विश्वास के साथ करो। और महर्षि वाल्मीकि से जब भगवान राम ने पूछे कि मैं 14 वर्ष व्यतीत करूंगा, कहाँ रहूं प्रभु बताइए, तो 14 स्थान में एक स्थान बतलाए, क्या बोले मंत्र राज नित जपही तुम्हारा पूजई तुम्ही सहित परिवारा। जो आपके मंत्र राज का जाप करता है और आपके परिवार को पूजता है, आप उसी के हृदय में प्रभु रहिए। देखो गुरु मंत्र देता है और तंत्र भी देता है। मंत्र तो यही है कि जो मन की गति को रोक दे, मंत्र जाप करे, और तंत्र वो है मंत्र जपने की विधि बताते हैं, स्थान बताते हैं। देवर्षि नारद जी देखो ध्रुव भगवान को प्राप्त करने के लिए चले 5 वर्ष के ध्रुव, और नारद जी सदगुरुदेव नारद जी मिल गए। बोले कहाँ जा रहे हैं बेटे, बोले भगवान से मिलने, भगवान को प्राप्त करने के लिए। बोले तो ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं, पहले गुरु बनाओ, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। गुरु बनाना आवश्यक है, गुरु मंत्र गुरुमुख होना आवश्यक है। देखो नामदेव जी भोलेपन में भगवान मिल गए, नामदेव के भोलेपन में। आप भगवान ने कथा सुने हैं नामदेव का, नामदेव के नाना वामदेव थे और इनकी माँ के पिता ये गर्भ में थे, तभी इनकी माँ के पिता मतलब इनकी इनकी माँ के पति चले गए, शरीर छूट गया, तो ये इनकी माँ चिंतित दुखी थी। तो एक बार नानक जी एक बार वामदेव जी ने कहे बेटी तुम क्यों दुखी हो, तुम तो इन्हीं से विठल नाथ से लाड़ लड़ाया करो, महाराष्ट्र में विठल नाथ है और वृंदावन में माँ के बिहारी हैं। कभी विठल नाथ तो विस्तार से कथा सुनाएंगे आपको, विठल क्यों हुए, उनको पंढरी नाथ भगवान भी बोलते हैं, विठल नाथ भी बोलते हैं, आपको आराम से सुनाएंगे। आज गुरु की चर्चा चल रही है, तो विठल नाथ ये वामदेव जी कहे इन्हीं से तू प्राण लड़ाकर इन्हीं के ध्यान में रहा कर। अब वो उस दिन से विठल नाथ के ध्यान में मगन थे। तो कुछ लोगों ने ऐसा लांछन लगाने वाले भी समाज में रहते हैं, लोगों ने तो चला गया इसकी किस्ता है इसके पेट में। तो यहाँ तक जब वामदेव के बात पहुंची कान में, तो वामदेव ने कहे कि बेटी ये सब लोग लांछन लगाते हैं, तुम्हारे पेट में किस्ता है। तो वो इनकी माँ ने कही कि नाम इनका देव का है, ये देव का नाम है इनका है, और जब ये जन्म लिए इनका नाम ये वामदेव जी ने नाम देव रखे। बोले भगवान का नाम है कि हमारे यहाँ देव आ गए नाम देव। और वामदेव जब ये 5 वर्ष के नाम देव हुए, तो एक बार वामदेव ने कहे बेटा तू पूजा कर लेगा ना विठलनाथ भगवान का, मेरे को थोड़ी कहीं बाहर जाना है। बोले हाँ जी हाँ नाना जी मैं कर लूंगा। और इस बालक को भगवान के सेवा के लिए कितना आतुर कातुर हो रहा है। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठा और कहा कि नाना जी पूजा करो। बोले नहीं बेटा अभी तो 4 बजे है। फिर 5 बजे स्नान किया और इधर वामदेव चले गए, और ये ठाकुर जी का बढ़िया सेवा किया, शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, तिलक किया, चंदन और तुलसी पुष्प सब सज्जित किया, कुछ कपड़ा पहनाया, और इसके बाद नैवेद्य भोग लगाने के लिए कटोरा में दूध लाया और ठाकुर जी नहीं पी रहे। कुछ देर तक देखा और मन में सोचा कि अभी अभी हमारा इनका मुलाकात हो रही है, हो सकता है कि अभी हमारा इनका परिचय नहीं होगा, इसलिए ठाकुर जी सब जा रहे नहीं पी रहे, तो पर्दा लगा दिए और बाहर निकले।